वो चीजें जो आपने कभी बनती नहीं देखी होंगी। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप वो चीजें देखने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कभी बनते हुए नहीं देखी होंगी, जैसे कि कंडोम का बनना, कोका कोला बनने का राज, लड़कियों की नेल पॉलिश में क्या मिलाया जाता है। हमारा आज का वीडियो बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है, इसलिए इसे आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नेल पॉलिश। दोस्तों, लड़कियों के लिए उनकी नेल पॉलिश एक तरह से उनकी जान होती है, जिसे आपने बहुत बार देखा होगा और सराहाया भी होगा। आखिर ये बनती कैसे हैं? आपको बता दें, नेल पॉलिश बनाने से पहले सबसे पहले उसके रंग का चुनाव किया जाता है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी मात्रा को पहले जांचा जाता है, इसके बाद सस्पेंशन बेस की मदद से इस नेल पॉलिश को अन्य खास कलर्स में मिलाया जाता है, फिर उसमें फोलिवर मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नेल पॉलिश नाखूनों पर अच्छे से चिपक सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेल पॉलिश कंपनीज हर रोज करीब 5 टन नेल पॉलिश का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया के बाद बड़े बड़े केन्स को फिलिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है, वहीं एक तरफ कांच की बोतलों को भरने के लिए तैयार रखा जाता है। आपको बता दें, ये बोतल बनाने के लिए जिस कांच को यूज किया जाता है वो इटली से मंगवाए जाते हैं। फिर इन सभी बोतल को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक लाइन में सेट कर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी बोतलों में मेटल से बनी हुई गोलियां डाली जाती है। ये गोलियां नेल पॉलिश को मिक्स करने में मदद करती है। अब आप जो नोजल देख रहे हैं, इसी नोजल से बोतलों में नेल पॉलिश भरी जाती है, जिसके बाद इसके ब्रुसेल्स को तैयार किया जाता है। फिर इन पर कैप लगाई जाती है ताकि ये बाहर ना निकले। इसके बाद पूरी तरह से तैयार नेल पॉलिश को दुनिया भर में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। कंडोम। आपको बता दें, कंडोम हमें कई तरह की बीमारियों से सेफ रखता है और जनसंख्या कंट्रोल करने में खास रोल अदा करता है। दोस्तों, इसके बनने की प्रक्रिया बड़ी निराली है। इसे एक निश्चित आकार देने के लिए कांच की नलियों से बने सांचों का यूज किया जाता है, जिसमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि इस पर किसी भी तरह की कोई गंदगी चिपके, इसी वजह से इसे अच्छे से धोया जाता है ताकि इसके रबड़ में जरा सा भी छेद ना हो। इसके बाद इसे लिक्विड में डुबोया जाता है, जिसे लिक्विड लेटेक्स कहते हैं। जब ये इस लिक्विड में डूबे होते हैं तो उस दौरान कांच का एक घूमता सांचा लेटेक्स को कॉन्डम के सारे हिस्सों में परफेक्ट तरीके से लगाता जाता है। इसके बाद इन कॉन्डम्स को अच्छे तरीके से ड्राई किया जाता है। जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें फिर से उसी लेटेक्स में डुबोया जाता है। आपको बता दें, इसकी मोटाई अलग अलग ब्रांड के हिसाब से सेट की जाती है। इसके बाद एक रोलर इसके किनारे को जरा रोल कर देता है ताकि इसे आसानी से पकड़ा जा सके। इसके बाद इन्हें ड्रायर से निकाला जाता है, जिसमें ये सूख कर इलास्टिक जैसे बन चुके होते हैं। आप जान लें, एक कॉन्डम कंपनी एक घंटे में लगभग 80,000 कॉन्डम का निर्माण कर लेती है। आपको बता दें, इनकी टेस्टिंग से पहले इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर 60 मिनट तक वॉश किया जाता है। इसके बाद इनका परीक्षण होता है, जिसमें इसकी फटने की क्षमता को 80 लीटर हवा भरकर परखा जाता है। इसके बाद एक एक कॉन्डम में पानी भर के इनकी लीकेज को भी चेक किया जाता है। ये मशीन इतनी जबरदस्त होती है कि बारीक से बारीक छेद का भी पता लगा लेती है। ओके करने के बाद इन सभी कॉन्डोम्स को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां इन पर सिलिकॉन ऑयल लगाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोल करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और फिर इन्हें खास तरह के पेपर में पैक कर दिया जाता है। इस दौरान इन्फेक्शन का खास ख्याल रखते हुए इन्हें हाथ नहीं लगाया जाता। लीजिए, अभी अलग अलग ब्रांड के रूप में बिकने के लिए तैयार है। हार्वेस्टिंग वूल। दोस्तों, ऊन को बनाने के लिए भेड़ों को पाला जाना बहुत जरूरी होता है। इन भेड़ों को गर्मियों तक खूब खिलाया पिलाया जाता है और जब इनके बाल उग जाते हैं तो इन्हें उस फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां एक मशीन के जरिए इनके सारे बाल निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद इनके बालों में फंसे कचरे को साफ किया जाता है, फिर इन्हें पैक करके दूसरी फैक्ट्री के लिए भिजवा दिया जाता है, जहाँ पहुँच कर इन्हें रंगा जाता है। फिर मशीन इसके गट्ठे को अलग अलग कर देती है। अलग होने के बाद ऊन को दूसरी मशीन में डाला जाता है और जो इसे लंबे लंबे धागों में बांट देती है। अब एक रोलर की मदद से इसकी अलग अलग परतें बनाई जाती है, फिर दूसरे रोलर्स की मदद से इन्हें पतले धागे में बदल दिया जाता है। अब इन धागों के बड़े बड़े रोल्स बनाकर दूसरी फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहां इन धागों से विभिन्न तरीके के कपड़ों, चादरों आदि का निर्माण किया जाता है, जिनके निर्माण में कम से कम 12 दिन तो लग ही जाते हैं। कोका कोला। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके पसंदीदा ड्रिंक कोका कोला के बारे में। ये कैसे तैयार किया जाता है? सबसे पहले कोका कोला के मिक्सचर को तैयार करके कोका कोला की तमाम बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जहां से 1 बाय 1 आगे चली जाती हैं। उसके बाद इन्हें कीटाणु रहित पानी से धोया जाता है।
धोने के बाद इनमें पहले से तैयार रेडीमेड ड्रिंक को भर दिया जाता है। जब इन बोतल में कोक भरी जाती है तो इनके ऊपर ढक्कन को लगाया जाता है। ढक्कन लगने के बाद इन पर कोका कोला का लेबल लगा दिया जाता है। लेबल लगने के बाद इस तरह से पैक करके मार्केट में आ घुसती है हमारे मुंह तक पहुंचने के लिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, साथ ही लाइक शेयर करके इसे आगे बढ़ाएं ताकि आपकी तरह दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल जाए। अब दीजिए विदा।